पहला है थाल्स थ्योरम, दूसरा नाम है इसका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में से गारंटी क्वेश्चन आता। सिंपल थ्योरम है ए डी बाई ट्राइंगल एंड ए बी सी। अगर मैं यहाँ पर बी सी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करा तो एक डी ई बोल के एक लाइन आ गई, दिस टू लाइन आर पैरेलल। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ए डी बाई ए बी दिस बाई दिस विल बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी दिस बाई दिस, अगर ये दो लाइन पैरेलल है। फर्स्ट थ्योरम। सेकेंड थ्योरम क्या है, अगर ये दोनों रेशियो सिमिलर है, मतलब ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर आपको ट्राइंगल लेके वैल्यूज लेके बोले फाइंड करो क्या पैरेलल है या नहीं, सब क्या करना है फॉर्मूले में डालना, अगर एल एच एस और आर एच एस बराबर है तो दोनों लाइन क्या है पैरेलल। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था जो नॉर्मली देता हूँ उन्हें, कि तीन चार वैल्यूज में से तीन वैल्यूज दे, ये तीन वैल्यूज देके बोलता कि भाई ये पैरेलल है, फोर्थ वाली वैल्यू फाइंड। ओके सिंपल है, इजी है, कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में आने वाला है आप लोगों को प्रॉपर्टीज जो है साइड साइड साइड। अगर दो ट्राइंगल्स और उन लोगों के तीनों साइड सिमिलर है तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके वैसे ही दो साइड और एक एंगल एस ए एस सास एस 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 ए एस ए एस ए और ए, ये चार प्रॉपर्टीज हैं। ओके तो एस ए एस में दो साइड्स और अगर एक एंगल सिमिलर है तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। वैसे ही एंगल साइड एंगल मतलब टू